नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 9 जुलाई 2020। 9 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि आपके पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने होगा, क्योंकि सर हम रोजाना कुछ नई नई जानकारी सीखते हैं ना, तो मैप पर भर के सीखेंगे। एटलस आपके सामने होगा, ऐसी मुझे आशा है सर। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में एन नियो मोरिकोन का निधन हो गया है। वे कौन थे? बहुत ही प्रसिद्ध सर संगीतकार थे एन नियो। और भैया पेन थोड़ा यार चल जाना यार, ऐसा मत किया कर भैया रोजाना की तरीका से। सी ऑप्शन करेक्ट सही है सर। फोटो दिखा दीजिए, हमने कहा ये हैं साहब एन नियो। बिल्कुल, ये कहाँ के हैं? इटली के हैं, तो इटली के भी दर्शन करा देते हैं आपको। ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी में सर इटली है, इधर फ्रांस लगा हुआ है। इधर जाते हैं तो जिब्राल्टर संधि मिल जाती है, यहाँ से होते हुए अटलांटिक ओशियन होते हुए सर आराम से तो हम फ्रांस पहुँच जाते हैं। इधर से भी पहुँच जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम जाना है फिर भी पहुँच जाते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है, मल्टीपल टाइम पढ़ा है हमने। कहा मित्रों ये भी देख लेना, स्वीडन यहाँ पर है। स्वीडन क्यों बता रहे हैं हमने कि आगे आएगा सवाल स्वीडन का। ठीक है सर, हाल ही में कुवैत के नए एक्सपैट कोटा विधेयक में भारतीयों का कोटा कितना है? सर इसका आंसर होगा प्यारे साथियों सी ऑप्शन करेक्ट सही होगा, 15% है। अब सर आराम से पेन को निकाल लीजिए और कॉपी पर लिखना शुरू कर दीजिए बहुत सारी जानकारी। अरे सर वही तो कुवैत है, हमने कौन सा जो GCC में आता है हमने की। हाँ यार गजब बात बताई आपने सर, बहुत सारी रोचक जानकारी हमने मल्टीपल टाइम पढ़ाई है। जो हमारे पुराने साथी है ना वो बता देंगे सर क्यों बताते हो बार बार कुवैत के बारे में, हम जानते हैं ना कुवैत के बारे में। हमने कहा ये प्यारा सा इंडिया है अपना, आगे जाएंगे अरेबियन सी मिल जाएगा, इससे आगे जाएंगे तो गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी मिल जाएगी। और सर ये क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज लिखा है, जरा दिख रहा हो तो आप बता देना कमेंट करके। और सर आगे बढ़ेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होके पर्शियन गल्फ मिल जाएगी। पर्शियन गल्फ मतलब फारस की खाड़ी। सर रोजाना आप पढ़ा देते हैं खाड़ी, खाड़ी होती क्या है हमने की, यार गजब बात पूछी आपने। सर खाड़ी वो चीज होती है जो तीन तरफ से लैंड से जल घिरा होता है। देखना ये पर्शियन गल्फ इधर घिरा है साउथ अफ्रीका से, साउथ अरेबिया से, और इधर सर पूरा का इराक और कुवैत से, इधर सर ईरान से घिरा हुआ है। तीन तरफ से घिरे हुए जल को सर हम खाड़ी कहते हैं। फिर सर बात बनी कि ओमान की जो खाड़ी है वो तो दिख नहीं रही, हमने कहा यार लो हद है, आपने पढ़ा नहीं है ये चीज। ये है भैया नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। जरा आप देखना सर, ये इधर से पूरी की पूरी लगी है यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि ये वेस्ट में भी घिरी हुई है, इसीलिए इसे गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी कहते हैं। ठीक है सर मेरे प्यारे साथियों, अरे बोई कुवैत है, बहुत छोटा सा है सर, दिख रहा है आपको। ये GCC के बारे में बता होना चाहिए पहले। GCC में 8 सदस्य हैं सर, हमने कहा कौन से सदस्य हैं? अरे ओमान है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये कतर है, बहरान है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, इराक है, और इधर से ईरान लग रहा है। अच्छा GCC गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कहते हैं जैसे। सर GCC के सदस्य हैं, हमने कहा ये गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ के तो 8 सदस्य हैं, बट GCC की बात करें ना मेरे प्यारे साथियों, हमने कि जी हाँ, तो GCC में इराक और ईरान नहीं है, तो कितने सदस्य हुए GCC में? 6 सदस्य हुए। मल्टीपल टाइम पढ़ाया है मेरे प्यारे साथियों आपको मैंने कि GCC में 6 सदस्य हैं और पर्शियन गल्फ से गल्फ कंट्री सर 8 हैं। अच्छी बात है सर, बहुत बार पढ़ाया है हमने कि ठीक है। अब सुन लीजिए सर कुवैत के बारे में कि कुवैत के बारे में जानकारी क्या है। ठीक है सर, लैपटॉप करता है भैया हैंग, आराम से तसल्ली से अब चलेगा, धीमे धीमे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया कुवैत की बात करें ना, कुवैत की ये बहुत छोटा सा है। अरे सर कितना छोटा सा है, हमने कहा इसकी भैया लैंड की बात करें तो 17,818 किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब जिसे आप वर्ग किलोमीटर कहते हैं ना। अच्छा सर,
अपने दो शहर मिला लिए जाएंगे ना बड़े से, वो भी सर इससे आगे निकल जाएंगे, हमने कि जी हाँ निकल जाएंगे। सर ये बात ऐसी है ना, कुवैत की आबादी की बात करें ना सर, कुवैत में कितनी आबादी है, तो टोटल 43 लाख आबादी है कुवैत में। और सर गजब की बात तो ये है कि 43 लाख में 30 लाख तो विदेशी हैं। अरे सर क्या बात बताई आपने, हमने कि जी हाँ, ऐसी चीजें लिख लिया करें, आप देखना कितना इंटरेस्ट आएगा मेरे प्यारे साथियों। 43 लाख तो कुवैत की टोटल जनसंख्या पॉपुलेशन है, इसमें से 30 लाख तो सर विदेशी हैं, और इस 30 लाख में से सर 14.5 लाख तो भारतीय हैं। तो कुवैत की जनसंख्या से ज्यादा तो वहां पर कौन है सर, भारतीय हैं, क्योंकि 30 लाख विदेशी हैं। तो भैया कुवैत की जनसंख्या कितनी हुई, 13 लाख हुई, और भारतीय वहां पर कितने हैं, 14.5 लाख भारतीय हैं सर। हमने की बिल्कुल सही कहा सर, इसी 43 लाख का, हमने की अच्छा, इसी 43 लाख का 15% लोग रहेंगे। अच्छा सर इतने बार कर दिए जाएंगे, हमने की जी हाँ, मतलब 6 लाख अपने भारतीय हैं सर वो ही रहेंगे, और 14.5 में 8.5 लाख भारतीयों को घर भेजा जाएगा। ऐसा कारण क्यों बना सर, हमने किया बताते हैं आराम से तसल्ली से। भैया ये जो कुवैत देखा है ना हमने, बिल्कुल देखा है सर, हमने कहा भैया ये छोटा सा तो है, बट ये इसकी भैया उस पर नहीं जाइए साइज पर, कि इतना छोटा सा ये, तो भैया किस पर जाए, हमने कि भैया यहाँ पर पैसा बहुत है। सर पैसा कहाँ से आया, हमने कहा ये भैया लगभग 65% तो ये गल्फ कंट्रियों पर तेल है। आपने देखा होगा भैया कोरोना में इकोनॉमी, जानते हैं मांग और पूर्ति की सप्लाई का भैया नियम, आप जानते हैं कि कुवैत के पास बहुत सारा तेल है साहब, हमने की सच्ची बात है, तेल तो सबके ही पास है सर GCC में, हमने की बिल्कुल सही है। भैया ये कुवैत वाले लॉकडाउन में कोई भैया आप घर से बाहर नहीं गए, तेल भैया गाड़ी में डलवाया नहीं है आपने, भैया इनके पास तो तेल इतना हो गया है कि ये स्टोर करने के लिए जगह भी नहीं है सर। और एक बात बताए ना, अमेरिका ने तो ये कह दिया भैया ले जाओ आप कैसे भी तेल ले जाओ, हमारे पास तो स्टोर करने में महंगा पड़ रहा है, फ्री में ले जाओ आप। आप कहेंगे सर गजब की बात बताई आपने, फिर भारत में क्यों महंगा है तेल, हमने की भैया भारत वाले वैट लगा देते हैं तेल पर, इस वजह से महंगा है। ठीक है सर, ये थी कहानी बहुत ही सरल भाषा में हमने समझाई। सर इन्होंने तीन कारण बताए हैं कि एक तो भैया हमारे यहाँ ऑयल इतना हो गया है जिसे कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, भैया हम कहाँ से पैसा लाएंगे। दूसरा है सर कि 1/3 तो भारतीय इलिटरेट हैं, मतलब अशिक्षित हैं। अरे सर 1/3, हम तो पढ़े लिखे होकर के इंडिया में डले हुए हैं, जो अनपढ़ लोग वहां पर जाकर के कुवैत में पहुंचे। हमने कि यार गजब बात पूछी आपने सर, ये कामगार के रूप में भेजे गए थे। जे सर जाकर के कुवैत से कितना पैसा भेजते हैं भारत में पता है ना आपको, सर कितना भेजते हैं, हमने कहा 4.8 बिलियन भैया भेजते हैं डॉलर, 4.8 बिलियन सालाना रुपया भेजते हैं सर ये जाकर के कुवैत से विदेश से, हमने की अच्छी बात है सर। तीसरा कारण बताया था कि यहाँ पर बहुत ही छोटा सा देश है सर, बहुत घनी आबादी में लोग रहते हैं, कोरोना विस्फोट चल रहा है भैया, इसके मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये काम किया है। मल्टीपल टाइम्स से कहा है भैया, कैस्पियन सागर से सीमा भैया रसिया भी लगाता है, अजरबैजान भी, ईरान भी, तुर्कमेनिस्तान, और इधर से कजाकिस्तान सीमा साझा करता है, ये है अरलसी, अरलसी कजाकिस्तान से और उज्बेकिस्तान से सीमा साझा करता है। बहुत सारी भैया रोचक जानकारी लेकर के आए हैं मेरे प्यारे साथियों, ये माइंड में आपके मैप छप गया होगा ना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भैया प्यारे प्यारे देखना। ये जॉर्जिया है, अजरबे आर्मेनिया है, इधर तुर्की है सर, इधर सीरिया लगा है, कहाँ इराक के पीछे, जरा ध्यान से देखते चलना मेरे प्यारे मित्रों, इधर जॉर्डन लगा है, इधर ये लेबलोन है, इधर ये सर ये जो दिख रहा है ना, ये मेरा जहाँ पेन चला ये छोटा सा, ये फिलिस्तीन है, जहाँ वेस्ट बैंक है, ये भैया इजराइल है। अच्छा सर ये मिस्र है, आपने समझा था पूरा के नील नदी आती है मिस्र से होकर के, जहाँ आसमान डैम बना हुआ है, ये रेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है, ये आगे आएगा इस वजह से अभी देख लेना कहाँ पर क्या चीज़ सटीक है मेरे प्यारे साथियों। ये बिल्कुल सर, हमने की ये है ना मेडिटेरियन सी से रेड सी आने के लिए स्वेज नहर है। अच्छा सर ये बात है, हमने की बिल्कुल है भैया, बड़े सर आगे बिल्कुल बिल्कुल बढ़ जाते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। लैपटॉप कर रहा है हैंग भैया, बढ़ेगा फिर भी।
हाल ही में देहांग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान में बदलने का निर्णय लिया है, यह किस राज्य में स्थित है? अरे सर, ये पहले तो वन्य जीव हुआ था, वन्य जीव अभयारण्य हमने की, जी हाँ, अब इसे राष्ट्रीय भैया नेशनल पार्क में बदलने का निर्णय ले लिया है। किसने ले लिया है? असम सरकार ने ले लिया है, सर्वानंद सोनोवाल सरकार ने ले लिया है। हुआ कहानी क्या है सर इसमें? हमने की ये भी कोई न्यूज पढ़ाने की है, हमने गजब बात कर दी आपने। देखना सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको भी सोच करके मजा आएगा। सर हुआ क्या था, मल्टीपल टाइम भैया ऐसी कहानी थी इसकी कि जो देहांग पटकाई है ना, ये असम में है। बिल्कुल सर, आपने पढ़ा है सर, एक बार एक चीज पढ़ी होगी। क्या पढ़ी है सर? हमने कि अरे यार बताते हैं ना, इको सस्टेनेबल जोन पढ़ा है ना आपने। यहाँ पर सर जो देहांग पटकाई है, यहाँ पर एक जगह है, मेरा पेन किधर गया, सले की नाम से एक जगह है भैया। क्या नाम से? शले की। ठीक है साहब, अच्छी बात है, लिख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, हमने की अच्छी बात है। यहाँ सर इकोसिस्टम जोन, अरे सर इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? हमने कहा सर इस जगह पर कोई भी आप हरकत करेंगे ना, पर्यावरण के खिलाफ आपने एक भी पेड़ काट दिया ना सर, वो गुनाहगार हैं आप उस चीज के, पर्यावरण में दिक्कत खड़ी हो जाएगी भैया, ये होता है इको सस्टेनेबल जोन। ठीक है सर, अच्छी बात है। हमने कहा भैया हुआ क्या, ये सलेकी से 10 किलोमीटर दूर पर है। ठीक है सर, अच्छी बात है। हमने की कोल इंडिया लिमिटेड है ना, कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की, वो कोयला निकालने के लिए इस जगह पर आई थी। अरे सर तो पेड़ पेड़ काटेगी, हमने की वही तो दिक्कत है। जब सर ये कोल इंडिया लिमिटेड आई तो इसने भैया परमिशन मांगी, कहाँ पर? यही जो इको सेंसिटिव जोन था वहाँ पर। किससे मांगेगी भैया? अरे भैया पर्यावरण की बात है तो भैया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मांगेगी। हुआ क्या सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे अनुमति दे दी। किसको? सर कोल इंडिया लिमिटेड को, जाइए आप आराम से पेड़ काटिए और कोयला बनाइए, कोयला निकालिए। अच्छी बात है सर। हमने कहा सर हुआ क्या, जैसे ही ये सिस्टम देखा तो वहाँ की जनता भड़क गई कि ये क्या हो रहा है भैया, यहाँ तो इको सेंसिटिव जोन है और आप पेड़ कैसे काट रहे हैं? कि हमें तो भैया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दर्जा दे दिया है कि आप काटिए आराम से। अच्छा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जब ऐसा हुआ तो भैया असम सरकार है ना, असम सरकार कह रही थी, सॉरी हम बताएं आपको, ऐसा जब दंगा देखा तो भैया इसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना बयान वापस लेते हुए इसी सर कोल इंडिया लिमिटेड पर भैया आराम से बैन लगा दिया और भैया 43.2 करोड़ रुपए की तो पेनल्टी लगा दी। कितना सर? 43.24 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा ये क्या पगला गए हैं क्या, पहले अनुमति देते हैं भैया, अब हम पर पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं, आप मना कर देते भैया। 43.24 की पेनल्टी जैसे ही लगाई, ये दंगा जैसे ही देखा किसने? असम सरकार ने। असम सरकार ने कहा ये अच्छी बात है सर, एक तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एक तरफ कोल इंडिया लिमिटेड है, दोनों आपस में भैया आपस में झगड़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पर। सर्वानंद सोनोवाल आए और भैया सर्वानंद सोनोवाल आए जैसे ही उन्होंने कहा रुको रुको, हम आपकी समस्या को तुरंत सॉल्व कर देते हैं। इन्होंने आकर के तुरंत भैया जो देहांग पटकाई है, जो वन्य जीव अभयारण्य था, इसे नेशनल पार्क में बदल दिया। सर फिर क्या हुआ? हमने की भैया जब नेशनल पार्क हो गया ना, अब यहाँ कोयला निकल ही नहीं सकता है। अच्छा सर ये बात है, हमने की जी हाँ, ये थी कहानी सर, हमने सुना दी आपको। कहाँ हुआ है सर? असम में हुआ है। अरे सर वो ही तो असम है, हमने कौन सा, आपने कई बार तो पढ़ाया है मेरे प्यारे साथियों, आज तुम्हारा लैपटॉप पूरा हैंग कर रहा है, ठीक है। अरे सर ये पश्चिम बंगाल है, हमने की जी हाँ, यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक से होते हुए असम में चले जाते हैं, जिसे हम सेवन सिस्टर कहते हैं, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, मल्टीपल टाइम पढ़ा है मेरे प्यारे साथियों आपने। सर ये तिब्बत से यांगपो शांगपो गारालुंग जांगपो से होते हुए, हमने की यार हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, बिल्कुल आती है सर, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर भैया दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बना हुआ है, जिसका नाम माजुली द्वीप है मेरे प्यारे साथियों, पढ़ा है ना? अरे सर बिल्कुल पढ़ा है, हमने की यार पढ़ाएंगे ना, लोड लेने की क्या बात है ना यार। कुछ रोचक जानकारी आपको बता देते हैं, ये था असम सर, असम सीमा किन किन से लगाता है? अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से, ये भैया याद कर लेना। और सवाल भैया एसएससी में कैसा आता है ना साथियों, बताएं आपको,
कि नागालैंड की सीमा निम्न में से किन देशों वो किन स्टेट से साझा होती है? तो भैया असम से तो पूर्वोत्तर जो भी स्टेट होगा लगेगा ही लगेगा। फिर देख लेना है कि नागालैंड के ऊपर अरुणाचल है कि मणिपुर है। ठीक है सर, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे रोचक जानकारी पर सर, बहुत ही जानकारी गहरी लेकर के आए आपके लिए। असम की राजधानी एकदम पेटी पैक हो जाना सर, बिल्कुल कसके कमर आराम से बिना हम बतलाएं भैया आपको बहुत जानकारी दे जाएंगे। देखना आप भी कहेंगे सर मजा आ गया। असम की राजधानी दिसपुर, अरे जानते हैं ना सर, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला हैं, लोकसभा भैया 14 हैं, राज्यसभा 4 हैं, विधानसभा 126, राष्ट्रीय उद्यान डिरवू शाइखोवा पड़ा था, अरे काजीरंगा वही तो है जहाँ एक सींग वाला गेंडा मिलता है। हमने की हाँ यार गजब बात बताई आपने, अरे मानस है ना मेरी है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें सर, हमने की जी हाँ सर, शास्त्रीय नृत्य अपने भारत में पूछे जाए ना सर, हमने की बिल्कुल पूछे जाते हैं सर, तो 8 हैं शास्त्रीय नृत्य। हमने की ये असम का है सत्री, अच्छा असम का सत्री है, हमने की बिल्कुल जो साहित्य अकादमी चलाती है भैया, हमने की जी बिल्कुल। बताएं सर कौन से हैं ये? अरे सर ये क्या लेके आए, हमने की जरा देख लेना मेरे प्यारे साथियों, ये इतना आसान नहीं है, इतने फोटो को सर कवर करना, वीडियो सेशन लेट ऐसे होता है कि मेरे अंदर इतना जुनून आता है ना, आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं सर उनको देखने के बाद लगता है कि मैं आपको इतनी जानकारी बता दूं ना कि आप तो भैया परीक्षा में जीएस तो फुल में फुल करके आए, इतना मैं रटा दूंगा सर। ये कत्थक है, अरे सर ऐसे कत्थक किया जाता है, हमने जरा देख लीजिए फोटो में सर, आप कमेंट भी कर दें सर तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अलग सेशन रख के सारे डांस करके सिखवा देंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे फिर माइंड में। अच्छा सर ये नॉर्थन इंडिया में है, हमने की हाँ यार गजब बात बताई, अरे ये मणिपुर का है सर, मणिपुरी नृत्य है, जरा देखिए ऐसे एक बहु बिटिया सी बैठती है भैया, हमने की अच्छा ये लाज मार के, एक बात बताएं सर याद आई, इस लाज की बात करी तो सर वो एक व्यक्ति है जो कहता था किसी दिन, क्या कहता था सर, एक व्यक्ति से 2 महीने मास्क लगा करके नहीं रह गया, ये व्यक्ति सर क्या कहता है पता है महिलाओं से कि भैया क्यों क्यों घूंघट में नहीं रहती हूँ, क्यों घूंघट के बारे में उन पर सर कमेंट करते हैं। जरा देखिए मेरी बात को गहराई से समझिए मेरे प्यारे साथियों, क्या कह रहा हूँ मैं, वो व्यक्ति क्या कहता है महिलाओं से, अरे घूंघट में रहा करो ना, घूंघट में क्यों नहीं रहती हूँ, घूंघट नहीं मारे हैं। और इस व्यक्ति पर कोरोना पेंडेमिक में 2 महीना मास्क नहीं लगाया गया सर, मतलब समझ आया ना सर क्या है। अरे सर दूसरे पर कमेंट करना तो आसान होता है, काम करना कठिन होता है, वो ही सर महिलाएं हैं जो जिंदगी भर घूंघट में रहती हैं, आपसे 2 महीने नहीं रह गया, करना आसान है कहना सर, कहना आसान है करना बहुत टिपिकल है मेरे प्यारे साथियों, हर किसी पर कोई कमेंट कर सकता है, अरे तू ये यार ये तो मैं हाल कर दूंगा, अरे भैया करके तो देख थोड़ा तब पता चलेगा तुझे भी, ये आसान लग रहा होगा सर ऐसे तो हम भी कर देंगे वीडियो सेशन हम भी बना देंगे, हमने भैया थोड़ा करके भी देख लीजिए एक बार, पता भी आपको भी चल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये कितनी मेहनत हम बता नहीं सकते हैं, हम अपनी समस्याओं को शब्दों में आपके पास फिर भी सेशन लाते हैं, लेट होता है कुछ भी क्योंकि हमारा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है भैया 4 दिन से। ओडिसी नृत्य है, ओडिशा का है, कुचिपुड़ी भैया, अरे कच्ची पूड़ी है भैया, आदि तो खाएंगे हम कच्ची पूड़ी है तो आंध्र प्रदेश का है, जरा ऐसे मनाया जाता है। अच्छा ये भरतनाट्यम वाले लोग हैं, हमने की हाँ यार ये क्या हो गया भैया, जरा ये क्या हो गया, भरतनाट्यम है तमिलनाडु, अरे सर पूर्वी घाट का तमिलनाडु जैसे जानते नहीं है क्या हम, हमने की यार हाँ जानते हो। कथकली ये एक महाराज से बन के बैठ जाते हैं, फोटो देख लेना क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है सारी चीजें फोटो से पढ़ाने का। मोहिनीअट्टम सर केरला का है, केरला के 2 हो गए, कौन सा हुआ, एक कथकली और कथक में जरा डिफरेंस भी देख लेना साथियों, ये नॉर्थन इंडिया का है, ये मोहिनीअट्टम केरल का है, ये सत्रीय नृत्य सर असम का है, अरे सर क्या बात है, हमने की हाँ यार ये 8 थे, हमने फोटो से लगा के साथियों को बताने चाहिए असम सर, इसकी तो हम बिल्कुल चीड़ फाड़ अभी कर ही देते हैं असम को भैया, बेहतरीन तरीके से फड़ी देते हैं पढ़ देते हैं आराम से मेरे प्यारे साथियों, आ ही गया है तो अब क्या कहना। ठीक है सर बढ़े आगे, बिल्कुल भैया ये आ गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, अच्छा सर ऐसे समझाएंगे, हमने कि यार देखो ना थोड़ा लोड क्यों लेते हो भैया, ये हमारा लैपटॉप तो कर रहा है हैंग फिर भी चलेगा भैया, धीमे धीमे चलेगा कोई दिक्कत नहीं। केरला
कैलाश मानसरोवर से निकली सांगपो यारालंग जांगपो नाम से ब्रह्मपुत्र नदी सर, इसे चीन के लोग प्यार मोहब्बत में कहते हैं सांगपो यारालंग जांगपो। जब ये भैया भारत में एंट्री करती है ना मेरे प्यारे साथियों, तो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग भी कहते हैं। आगे जब बढ़ती है ना सर, ये आती है असम में, असम के लोग भैया प्यार मोहब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से कहते हैं। जब ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है ना दोस्तों, इसे बांग्लादेश के लोग जमुना के नाम से पुकारते हैं। अरे क्या बात है सर, हमने कहा ये लिख भी दी ये सारी जानकारी आपको भैया, सेशन को पॉज करके पढ़ना है जरा ध्यान से, ये अच्छी बात है। इधर से आई प्यारी सी गंगा, जो मल्टीपल टाइम पढ़ाई है सर, एक बार फिर हम रिवीजन कराएंगे जिस दिन यूपी आएगा सर। गंगा, जब बांग्लादेश में गंगा तो भैया पद्मा कहते हैं, जब ये दोनों पद्मा जमुना मिल जाती हैं, इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ऊपर से आती है तीस्ता नदी, जो नेपाल से निकलती हुई सर आराम से आ जाती है अपने सिक्किम होते हुए, आकर के जमुना में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। गंगा की एक बितरका है जिसका नाम मल्टीपल टाइम पूछा गया है हुगली, हुगली की सहायक सर दामोदर है। बहुत सारी जानकारी में बिना सर बातें ठलुआ करे हुए आपसे बता रहा हूँ। अरे सर बिल्कुल, हमने की आगे आते हैं सर, इसी ब्रह्मपुत्र की नदी सहायक नदी दाएं से और बाएं से पूछी जाती हैं। सर कौन कौन सी दाएं से है, मैंने कहा दाएं से नदियां बात करें तो सुबनसिरी है सर, मानस है, हमने कहा बिल्कुल ये संकोस है, बाएं से बात करें तो रेहांग है, देहांग है सर, लोहित है, और सर इधर गंगा आती है, और ये मैंने लिखा भी है डिटेल में, पढ़ लेना है आपको मेरे प्यारे साथियों। मेघना के नाम से अंत होता है, बढ़े सर आगे, बिल्कुल सर बढ़ते हैं। बहुत ही रोचक जानकारी लगी हो तो भैया सेशन को शेयर कर दो ना यार, मीटर खींच दो ना यार, लोड लेना ही क्या है सर। बिल्कुल बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये परिवार आपका है ना सर, बढ़ाएंगे आप भी तो बढ़ाएंगे सर, बिल्कुल जो भी आपका सुझाव हो इस परिवार में आप सभी का बहुत स्वागत है। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट, अच्छा सर सतत विकास रिपोर्ट, हम तो जानते ही नहीं होता क्या ये सतत विकास, हमने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है भैया, हमने की अच्छा क्या होता है सस्टेनेबल सर, हमने की बताएंगे सर। 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है सर, सस्टेनेबल जो होता है ना डेवलपमेंट जो रिपोर्ट जारी होती है सर, इसके 17 गोल हैं, 17 गोल में कोई अचीव कर लेता है वो पहले नंबर पर आ जाता है सर, हमने की यार गजब बात है। होता क्या है सर, आप देखते नहीं है कि वंस अपॉन ए टाइम, अरे सर वंस अपॉन ए टाइम, हमने कहा भैया जैसे कहते नहीं है वंस अपॉन ए टाइम, ऐसा हुआ इसकी वजह से ऐसा, मतलब आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ करके जाते हैं सर, इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आया क्या, आज आप एक पेड़ लगाएंगे ना, आपके आने वाली पीढ़ी भैया उस पेड़ का नाम लेगी सर। आज आप सारे पेड़ों को काट देंगे, कहेंगे देखो ये क्या हुआ सर, ये आगे के बारे के माने सोचना ही सर। अब इसमें 17 गोल होते हैं मेरे प्यारे साथियों, इनमें अचीव करने के लिए पहली रैंक मिलती है। 17 गोल तो मैं लेकर के नहीं आया हूँ, आपको रटने तो चाहिए, वैसे मैं लेकर के आऊँगा किसी दिन, जब आएगा तो अलग से करा देंगे कभी भैया। 17 गोल में जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, बाटर से सर, और स्वच्छ अभियान हुए, ऐसे अभियान होते हैं ना, मोदी जी ने स्वच्छ अभियान चला रखा है, ये सस्टेनेबल जोन तो चला रखा है ना, इसमें अचीव करने के लिए ये 17 गोल में पहली रैंक पर स्वीडन रहा है। अरे भैया ये कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, ये कौन सी भैया चक्की पर पिसवा करके खाते हैं, ये पहले नंबर पर ही बने रहते हैं। अरे सर डेनमार्क, और वही तो डेनमार्क है, हमने की जो ग्रीनलैंड है इसका ऐसा, जिन पर अंकल आंखें लड़ाए हुए हैं, हमने की हाँ यार। और ये फिनलैंड वाले लोग हैं भैया, पता नहीं है कौन सी चक्की का आटा पिसवा करके खाते हैं, पहले नंबर पर अपना भारत भैया बातें बड़ी करता है, और इसमें सर अचीव करने में 117वीं रैंक पर है। मैंने बताया पहले पर स्वीडन है, दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पर फिनलैंड है, भारत अपना 117वें नंबर पर है। मोदी जी ने बहुत सारे स्वच्छ अभियान, जल अभियान, गंगा सफाई अभियान, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आते हैं सर, पर्यावरण में बहुत सारे पेड़ जैसे अभी चलाया था 25 करोड़ पेड़ लगाए,
ये यूपी सरकार, दिल्ली सरकार ने चलाया पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ सर, बहुत सारे अभियान इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चलाते हैं सर। ये थी रैंक, बहुत सारी जानकारी। अच्छा सर, स्वीडन की बात आई है तो जरा स्वीडन को दिखाई देते हैं। अरे स्वीडन ये है पहले रैंक पर, फिनलैंड ये है सर दूसरे नंबर पर, ये वो तीसरे नंबर पर, डेनमार्क ये वाला है सर, डेनमार्क ये नीचे देखो, ये कौन सी चक्की का है सर, ये बिल्कुल तीनों के तीनों पहले दूसरे तीसरे नंबर पर हैं, बड़े सर आगे बिल्कुल। मेरे प्यारे मित्रों, कैसा लगा सेशन जरा भैया कमेंट बॉक्स में बता तो देना। अंतर्राष्ट्रीय वित्ती आएगा क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को भैया नोट कर लेना और इस पर लिख देना कि ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, किसी भी पेपर में आए सर, फिर मत कहना कि आएगा नहीं। भैया सारे क्वेश्चन रसवरी नहीं होते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो आराम से आपको मजा देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं सर, उनकी भैया इमेज बहुत गहरी होती है। ये सर आएगा, हमने किया भैया 110% आएगा, अब किसी भी एग्जाम में आए। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जरा याद भी कर लेना मित्रों। इंजेती श्रीनिवास को किया गया है, इंजेती श्रीनिवास को किया गया है। सर होता क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, हमने कहा इंग्लिश बता दे थोड़ा यार, इसकी पूछी जाएगी एक बार फुल फॉर्म। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वित्तीय फाइनेंशियल सेवा सर्विसेज, केंद्र माने सेंटर, प्राधिकरण माने अथॉरिटी होती है। यार ये तो इंग्लिश थी, कितनी सरल है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है, लिख लेना भैया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म कहते हैं IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है, जिसे हिंदी वाले भैया विद्यार्थी कहेंगे अंतरराष्ट्रीय वित्ती। अरे सर धन की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल पर आप, हमने की पकड़ गए बात आप, उसके लिए आपने केंद्र बना दिया है। जरा नाम से देखना मेरे प्यारे साथियों एक बार, अंतरराष्ट्रीय बात कर रहे हैं हमने, जी हाँ। अच्छा धन की बात कर रहे हैं हमने, जी हाँ। अच्छा सर केंद्र बना दिया है आपने जांच के लिए, हमने की बिल्कुल सही पकड़े आप। सर हुआ क्या, अपना शीतकालीन सत्र चलता है ना, शीतकालीन सत्र कब, हमने की शीत कब पड़ता है सर बताना। अरे सर दिसंबर जनवरी में, हमने की 12 दिसंबर को सर 2019 को इसी के जरिए एक बिल लाया गया था, उसके तहत 27 अप्रैल सर 2020 को इसकी स्थापना की गई। अरे सर स्थापना कहाँ पर की गई, सवाल बना, हमने की ये सवाल सही है ना आपका। सर इसकी स्थापना भैया मोदी जी अपना मोह माया नहीं भूल पाए और जाकर के अपने ही वहां पर जहां से विधानसभा जीते थे ना, वहीं लेकर पहुंचे अपने घर, हमने कहा। अरे सर गांधीनगर ना, अच्छा गांधीनगर तो गुजरात में पढ़ा है हमने की, सही तो पढ़ाया आपने। अरे गुजरात कोई सर, इन्होंने गिफ्ट सिटी नाम से, गिफ्ट सिटी कहते हैं गुजरात गांधीनगर को, गिफ्ट सिटी GIFT, इसकी भी फुल फॉर्म होती है क्या, हमने की हाँ होती है यार, गुजरात। I फॉर इंटरनेशनल, F फॉर फाइनेंशियल, T फॉर टेक और C फॉर सिटी, मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है सर, जिसे हम गिफ्ट सिटी कहते हैं। यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, किसकी, IFSCA की। होता क्या है सर, मेन बात है सर, जो विदेशी धन आएगा उस पर ये संस्था, ये इंस्टीट्यूशन निगरानी रखेगा। ये थी बात भैया। अच्छा सर जो FDI आता है ना, FII, FDI, जो भी विदेश से धन आता है सब पर निगरानी। फेसबुक ने कितना रुपया भैया दे करके हिस्सेदारी खरीदी अम्बानी के बेटे की, ये इस पर निगरानी कौन रखेगा। अब ये पहली संस्था बनी है सर इंडिया में, तो भैया पहले का तो वैसे ही नाम होता है, तो ये आएगा IFSC है, इंजेती श्रीनिवास है, गांधीनगर गिफ्ट सिटी में इसका मुख्यालय है सर, हेडक्वार्टर, इसके चेयरमैन इंजेती श्रीनिवास है सर। इसमें और कौन मेंबर होगा, हमने कहा भैया इधर से मेंबर में RBI अपना एक सदस्य भेजेगा, SEBI भी भेजेगा, IRDMI भेजेगा, PFRDA भी भेजेगा, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें भेजेंगे और दो अपनी भारत सरकार रखेगी। ये थी सारी डिटेल में जानकारी मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आगे। बहुत सारी जानकारी में बहुत डिटेल में घुस जाता हूँ सर, बहुत सारा टाइम इसी वजह से ले लेता हूँ, लैपटॉप कर रहा है हैंग भैया गर्म की वजह से, आज का सेशन कैसे भी हो जाए यार, बढ़ जाए यार मेरे प्यारे साथियों, इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा।
बढ़ेगा सर, ये मुंबई में है सर, सीनियर ब्यूरोटी ज्योति श्रीनिवासन हैज बीन, ये दिखा है मैंने पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSC फॉर द गांधीनगर वेस्ट फाइनेंशियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैग गिफ्ट सिटी में बनाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, बड़े सर आगे इंजति श्रीनिवास का हम फोटो दिखाएंगे आपको जरूर, ये है इंजति श्रीनिवास। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत के MSME सेक्टर में समर्थन देने का निर्णय लिया है? कहा है भारत वाले सुनो, आपको कोरोना में कोई रोजगार दे, वो एक सिंगल MSME सेक्टर है जो लघु उद्योग की बात करता है सर, लघु लोगों के लिए। हमने क्या, बिल्कुल, किसने कहा है सर? वर्ल्ड बैंक ने कहा है। अरे वो ही तो वर्ल्ड बैंक है, डेविड मालपासवादी है, वाशिंगटन DC में तो इसकी स्थापना हुई, वो हेडक्वार्टर है। हमने कहा सर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी सर। वर्ल्ड बैंक की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, तो वर्ल्ड बैंक में मैं आपको बता दूं, अरे सर क्या बताएंगे, हमने कहा वर्ल्ड बैंक के समूह को आप जानते हैं सर, मैंने पढ़ाया नहीं है, और वर्ल्ड बैंक तो मल्टीपल टाइम पढ़ाया है सर। एक बात और बता दूं मैं आपको, ADB पढ़ाया है ना, बताना ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर। अरे बस सर मनीला वाले लोग हैं। हमने कहा अच्छा, AIIB कहाँ है, इसका हेड कहाँ है, NDB को दूसरी बैंक के नाम से किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसका मुख्यालय, दोनों का आपको बताना है। ADB का मैंने बताया है, ये आज आपके लिए क्वेश्चन है सर। AIIB और NDB के बारे में डिटेल में जानकारी आपको लिखनी है। बड़े सर आगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में मल्टीपल टाइम मैंने पढ़ाया है, डेविड मालपास वाली है, वाशिंगटन DC में है, 189 कंट्री हैं जिसे IBRD कहते हैं, 1944 में स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें सर, इसमें 5 बैंकें आती हैं, जरा पढ़ लेना, पूछा जाता है जब आप बड़े सपने देखेंगे सर। तो IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, IDAB, ये दोनों भैया मुख्य रूप से वर्ल्ड बैंक में मिली जाती हैं, और वर्ल्ड बैंक के समूह की बात करें तो पांचों को मिलाया जाता है। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन है, MIGA की बात करें तो मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, ICSID की बात करें तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद कर लेना चाहिए, IBRD, IDA, IFSC, MIGA, ICSID, इतनी जानकारी सर, इतना सेशन आपको गहराई से पढ़ाने का भैया, ये जज्बा आपके कमेंट से आता है। मित्रों एक बात भैया, मीटर लगा करके सेशन को शेयर तो कर देना मेरे कहने से। बड़े सर आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में किस राज्य ने पोर्टल महा जॉब्स शुरू किया है? सर महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने कहा है आप हमारे देश में आइए, इस पोर्टल पर जाइए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे देश इसके स्टेट के युवाओं, आप जाकर के अपना काम बताइए, आपको काम कंपनी बताएंगी, आपके लिए काम है इस जॉब पोर्टल पर जाकर के, आराम है, आराम से जॉब मिल जाएगी। किसने किया है ऐसा भैया? महाराष्ट्र सरकार ने किया है, पोर्टल होता है ना, बिल्कुल। अरे महाराष्ट्र का हम क्या नहीं जानते हैं सर, महाराष्ट्र है सर, इसमें 2 पोर्ट है, तीसरा पोर्ट आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। JNPT मैंने पढ़ाया है, मुंबई सर है, JNPT से तो जाते हैं चारवा, हमने की बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं, महाराष्ट्र की सीमा गुजरात से, मध्य प्रदेश से, इधर सर छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, छुट्टे से गोवा से लगती है, 2 पोर्ट हैं JNB और सर, JNB पोर्ट और मुंबई पोर्ट है, बिल्कुल है, तीसरा भी यहाँ बन रहा है, जरा आपको नाम पता हो तो बता देना प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों। ये थी महाराष्ट्र की जानकारी, महाराष्ट्र में और क्या चल रहा है, मुंबई है राजधानी, भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे, लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद भैया 6 स्टेट में है, मैंने कल भी बताया है, तो एक उसमें महाराष्ट्र भी है, 5 आप बताना कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, और सर आप आगे बता देना। लोक नृत्य है लावड़ी, नकटा, तमाशा, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, अरे एक बार लिख तो लो जरा, देखना माइंड में क्लैरिटी कितनी आएगी सर। ललिता, लेजम तथा पोवाड़ है राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवे गांव राष्ट्रीय उद्यान। मेरे प्यारे साथियों टाइम पर न जाएं, वीडियो कितने टाइम का है, जानकारी देखें कितनी आती है। कोयना डैम कोयना नदी पर है, जायक बाड़ी बांध पूछा जाता है गोदावरी नदी पर है, बर्दा डैम बर्दा नदी पर है, उज्जैनी डैम भीम नदी पर है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है उज्जैनी डैम, डैम भैया बांध को ही कहते हैं, जनजातियां बारली है, कोली, चितपावन, अबुम फामाड़िया है, आधिकारिक भाषा मराठी है। मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं आगे, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? सर
सोलर सिस्टम के लिए भेल से किया है। अरे सर भेल क्या होती है, हमने की यार बता देते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होती है इसका फाउंडेशन। 1964 में सर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में किया गया था। ये भेल की फुल फॉर्म कई बार सर रेलवे में पूछी गई है, भारत हाईवे इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होती है। बड़े सर आगे बिल्कुल हाल ही में, और सर रेलवे में बताएं, अभी रेलवे में सबसे बड़ी ट्रेन कौन सी चली गई थी और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी थी, और सर ये कितनी लंबी है, जानकारी लिखा करें प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों। हाल ही में किस देश ने खुफिया उपग्रह ओफेक 16 लॉन्च किया है? अरे सर खुफिया, हमने की हाँ यार सर बताएं आपको जानकारी, थोड़ा अब टाइम तो लगी गया है तो भैया रोचक जानकारी बता ही देते हैं, क्या जाएगा यार, क्या करेंगे इतने ज्ञान का लेकर के। ठीक है सर इजराइल ने किया है, अरे इजराइल को तो अभी बताया ना सर हमने कि बिल्कुल बताया सर इजराइल को। इजराइल की राजधानी दो बताई जाती हैं, एक यरूशलम है जिसे अमेरिका मानता है, एक तेल अबीब है। सर अभी जानकारी डिटेल में लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीका से। अरे सर ये सैटेलाइट हमने कहा भैया ईरान वालों से कह दिया है इजराइल वालों ने, सुनो ईरान वाले हो आपके ऊपर हम ड्रोन उड़ाएंगे। सर ड्रोन क्या होता है, हमने कहा कभी बफर सिस्टम में गए हैं आप, हमने कि हाँ सर गए हैं, हमने कहा कभी रसगुल्ले खाए ना, तो आपने देखा होगा सर वो ड्रोन से देखता है कि इसने कन्यादान कितने रुपए का किया है, इसने भैया हमारा भोजन कितने रुपए का किया है, फिर हिसाब किताब लगाएंगे कि घाटा पड़ा का फायदा पड़ा हमें। बिल्कुल सर, सर तो ये तो गजब बात हुई सर, उस ड्रोन को तो ईरान वाले मार गिरा देंगे, हमने कि यार लो हद कर दी आपने। सर आपको दिखता है वो रसगुल्ले वाला ड्रोन, ये ड्रोन सर कुछ अलग है, हमने कि कौन सा सर खुफिया उपग्रह ओफेक, ये 200 किलोमीटर ऊपर उड़ेगा। अच्छा ये क्या करेगा, हमने कहा भैया ये ईरान की फोटो लेगा, फोटो के लिए सर कैमरा लगा होना चाहिए, हमने कि हाँ यार कैमरा बहुत हैवी लगा हुआ है, 200 किलोमीटर से ईरान की बहुत क्लियरिटी भैया आएगी। सर एलविट ने बनाया है इसका कैमरा, 200 किलोमीटर ऊपर उड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं सर क्या जानते हैं, सर ये कहाँ पर उड़ेगा, हमने कहा इसे भैया लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जो 200 से भैया 2000 किलोमीटर की तरफ चलता है, और भैया 2000 से 20000 किलोमीटर तक मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, इससे ऊपर जाएंगे सर उसे हाई अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, 30000 ऊपर से किलोमीटर की बात करें। मल्टीपल टाइम मैंने प्यारे प्यारे साथियों बताया है आपको सर, हम बिल्कुल आपको अच्छी तरीका से लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये कहाँ पर चक्कर लगाएगा सर लो अर्थ ऑर्बिट, अरे सर वही तो लो अर्थ ऑर्बिट है जिसमें सर ISS बना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो 1998 में 5 एजेंसियों ने बनाया था, हमने की बिल्कुल सही पढ़ा, 4 बेडरूम वाला है सर बिल्कुल, हम गजब बात बताई सर आपने, रिवीजन हुआ उसका, हमने कि भैया रिलेट करके पढ़ा करें, ये सर 200 किलोमीटर पर चक्कर लगाएगा। सर आप जानते हैं ना एक बात बताएं, हमने कि ऐसा होता है, ये सर रॉकेट है, अरे सर रॉकेट तो हमने देखा ही नहीं, हमने कि हद कर दी, दीपावली पर पटाखे कभी फोड़े हैं ना सर, उसमें नीचे आग लगाते हैं, आग वाला नीचे हिस्सा रह जाता है, इसे सर टोपी कहते हैं, जिसमें पेलोड होता है, जो भी सिस्टम भेजना होता है इस पेलोड में सर लगा बैठा करके आराम से भेज देते हैं। ये थी सर इजराइल की कहानी। सर ये 16वां सैटेलाइट है ओपेक 16, हमने की जी बिल्कुल, ये निगरानी रखने के लिए। सर किस रॉकेट से भेजा है, तो सवित रॉकेट से भेजा है। कैमरा किसने बनाया है, एलविट ने बनाया है, इस रॉकेट का नाम है सवित रॉकेट से, कैमरा ओफेक 16 लॉन्च किया है, इस पूरे सैटेलाइट का नाम ओफेक है। ये सारी जानकारी मुझे आशा है आपने लिख ली होगी मेरे प्यारे साथियों। बड़े इजराइल की तरफ मेरे प्यारे मित्रों, ये है प्यारा सा इजराइल, जरा देखिए आप ध्यान से समझिए इसको। भैया सेशन को शेयर कर देना यार, इतना लैपटॉप हैंग होने के बाद हम आपके लिए इतनी गहरी जानकारी लाते हैं, भैया चल जाए यार, इतने पर आकर के धोखा देगा। मेरे प्यारे साथियों देखना, ध्यान से समझना है, ये मैंने क्यों इसमें बहुत सारे मैप लेकर के आया हूँ आपको क्लैरिटी दिखाने के लिए। सर आज तो टाइम की बहुत दिक्कत हो गई। ये है सर ईरान, ने कि हाँ यार ईरान है, ठीक है साहब ये अभी बताया, हमने कहा ये पर्शियन गल्फ है, इधर रेड सी है, ये स्वेज कैनाल से जुड़े हुए हैं मेडिटेरियन सी से, इधर सर ये क्या है इजराइल है, मैं इसलिए ये मैप लेकर के यहाँ पर आया हूँ। जरा देखिए सर ये रेड सी से इजिप्ट वाला हिस्सा इधर भी है और इधर भी है, ये नील नदी बह रही है, जरा ध्यान से समझने की बात है मेरे प्यारे मित्रों। ये ध्यान से अब मैं इसे जूम करके दिखाऊंगा आपको, इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ आपके माइंड में। बढ़ जा सर भैया यार, बढ़ जा थोड़ा यार, लोड क्यों ले रहा है, जरा देखना मित्रों।
ये सीरिया है इधर, बिल्कुल। ये जॉर्डन अभी दिखाया, बिल्कुल। ये रेड सी दिखाया, कहाँ पर है रेड सी? ये इजिप्ट है ना, ये इजराइल है ना, बिल्कुल सर। ये बेस्ट बैंक है, मैंने कहा ये जॉर्डन नदी गिरती है उसके बेस्ट वाले हिस्से को बेस्ट बैंक कहते हैं। इसी सर बेस्ट बैंक में, जिसे जो वो फिलिस्तीन है सर, इसी में ये जेरूसलम है जिसे अमेरिका मानता है, और सर ये इजराइल की राजधानी इजराइल तली अभी तेल अभी मानता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर गाजा पट्टी है। पूछा जाता है गाजा पट्टी कहाँ पर है, तो भैया इजराइल से और मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करती है। इधर ये लेबनान है, बेस्ट बैंक, ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों। जेरूसलम है, आए दिन भैया इन दोनों में झगड़ा होता है। इस भैया फिलिस्तीन को भैया लेबनान वाले साहब मतलब बढ़ाते हैं, लेबनान को सर ईरान बढ़ाता है। ये थी कहानी, और इसे सर जूम करके मैंने कई फोटो में दिखाने की कोशिश की है आपको। इसी सर ये वाला है ना अभी पढ़ाया फिलिस्तीन हमने की, हाँ यार ये जो है ना यहाँ पर जो जेरूसलम पड़ा, इसी में सर बगल से डेथ सी है, जरा देख लेना सर। डेथ सी में क्या मृत्यु हो जाती है, हमने यार गजब की बात है, यहाँ तो कोई इंसान डूबता भी नहीं है। आप पेपर ले जा करके आराम से डेथ सी में कूद जाना, आप डूब नहीं सकते हैं, आराम से पेपर पढ़ेंगे। ये थी जानकारी, तो मुझे लगा कि मैं आपको डेथ सी भी बताऊं। सर ये देखना इधर क्या लिखा है, स्वेज कैनाल लिखा है। स्वेज कैनाल किसे जोड़ती है, रेड सी को जोड़ती है। ये सर पूरा का पूरा गाजा पट्टी है, ये तेल अबीब है मेरे प्यारे साथियों, सी ऑफ गालीलिया है। ठीक है सर, बढ़े आगे, बिल्कुल। अब भैया मैं लेकर के तो बहुत कुछ आया था, बट ये टाइम इतना हुआ, फिर देखना एक बार माइंड में, भैया क्लियरिटी नहीं मुझे लगती है तो मैं बताता ही रहता हूँ। जॉर्डन लगा हुआ है, ये सीरिया है, ये गोलन हाईलाइट वो हाइट है सर, ये लेबलोन वाले हैं बेस्ट बैंक है। देखना अब तो दिख रहा होगा डेड सी, बिल्कुल भैया। ये गाजा पट्टी है, तेल अबीब है, इजिप्ट है मेरे प्यारे मित्रों, बढ़े आगे, बिल्कुल सर। ये इजराइल थी, ये भी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। हाल ही में जी आकाश देश के 66 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ये किस राज्य से हैं? ये सर तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, अरे वो ही तो तमिलनाडु है। ये थे सर ग्रैंड मास्टर जी आकाश, वो ही तो तमिलनाडु है सर, तमिलनाडु नीचे चला गया है, कोई दिक्कत नहीं भैया, इसमें जूम का ऑप्शन भी नहीं है, अब मैं उसे जल्दी कर लूंगा। तमिलनाडु आप जानते हैं सर, ये है पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट से मल्टीपल टाइम पढ़ाया है भैया, बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल। जुलाई के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस है, 2 से 31 जुलाई विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह है, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, वो 4 जुलाई को पड़ा था, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। ये पूरा का पूरा कंटेंट हमारे PDF फॉर्मेट में सुशील स्टडी टेलीग्राम पर मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये सेशन कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, ये परिवार आपका है सर, बढ़ाने का कर्तव्य भी आपका है मेरे प्यारे मित्रों, एक बार मीटर खींच देना मेरे कहने से। सर कैसा लगा सेशन बताना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत, मस्त रहिए, बिंदास रहिए सर, हंसते भी रहिए औरों को भी हंसाते रहिए।